हम बात करेंगे कीवर्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करते हैं और कीवर्ड प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है। अगर कोई यूजर अपनी क्वेरी कोई सर्च करता है उसे हम कीवर्ड बोलेंगे। कीवर्ड प्लानिंग क्या होता है, अगर हम कोई बिजनेस है तो उसको उसके लिए राइट कीवर्ड को चूज करना, उसके बाद लिस्ट बनाना और उसको वेबसाइट में डालना, उसे हम कीवर्ड प्लानिंग बोलेंगे। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कितनी बार अपनी वेबसाइट में स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है उसे हम कीवर्ड डेंसिटी बोलेंगे। कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड इज यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ कीवर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू में 100। लो बिड क्या होता है, मिनिमम बिड मींस द मिनिमम अमाउंट पे फॉर ईच क्लिक, हर क्लिक के लिए कितना उसने अमाउंट पे किया है उसे हम लो बिड बोलेंगे। हाई बिड कितना होता है, मैक्सिमम अमाउंट उसने कितना एड्स के लिए पे किया है उसे हम हाई बिड बोलेंगे। होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जो थ्री वर्ड्स से कम में हो उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलेंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड वॉल्यूम हाई होता है और कन्वर्जन लो होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जो 3 वर्ड के हों और या 3 से ज्यादा के हों उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। जैसे कॉफी शॉप इन मुंबई, ये क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड वो होते हैं जो ट्रेंडिंग कीवर्ड होते हैं और कुछ समय के लिए आए हो मार्केट में, जैसे कोविड आया था वो शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड है। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड वो होते हैं जो हमेशा के लिए अब मार्केट में रहते हैं, जैसे योगा फॉर वेट लॉस, ठीक है, लॉन्ग टर्म है, सब रिसर्च करेंगे इसको, लॉन्ग टर्म हमेशा रिसर्च करते रहेंगे। जॉब इंटरव्यू है, टिप्स फॉर सक्सेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड है। जियो टारगेटिंग कीवर्ड कौन से होते हैं, जियो टारगेटिंग कीवर्ड वो होते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन बताए, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, ठीक है, जियो टारगेटिंग कीवर्ड है। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में बताए, जैसे प्राइस हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स हैं। जैसे एग्जांपल डाबर आमला हेयर ऑयल फॉर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड ट्रिकी हेयर, ठीक है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड है। कस्टमर डिफाइनिंग कौन सा होते हैं, जो कस्टमर के बारे में बताए, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स हैं। जैसे किड्स बुक्स फॉर अर्ली एजुकेशन, LSI कीवर्ड कौन से होते हैं, LSI कीवर्ड वो होते हैं जो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, जो रिलेटेड होते हैं अपने सिनोनिम से, ये रिलेटेड होते हैं, सिनोनिम्स नहीं होते, ये रिलेटेड होते हैं। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को हम डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, ये क्या है, LSI कीवर्ड्स हैं। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होता है, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स
कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड और ट्रांजिशनल इंटेंट कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है अपनी, जैसे हाउ टू लॉस वेट, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। और कमर्शियल क्या होता है? उसको कुछ खरीदना है तो वो सोच रहा है खरीदने की। और ये ट्रांजिशनल क्या होता है? जो ये वो बाय करना चाहता है। अभी जीके भी क्या होता है? गूगल कीवर्ड पैनल। गूगल कीवर्ड पैनल एक फ्री टूल है जो हमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड देता है और वॉल्यूम्स बताता है और कॉस्ट बताता है। अब स्टेप्स क्या है गूगल कीवर्ड पैनल की? पहले हम गूगल कीवर्ड ads.google.com में जाएंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन स्विच टू एक्सपर्ट मोड, देन सेट अप योर अकाउंट, देन अपना बिलिंग कंट्री डालेंगे, टाइम जोन डालेंगे, करेंसी डालेंगे, देन सबमिट, अकाउंट बन गया। अब ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद कीवर्ड पैनल, देन डिस्कवर। टूल्स एंड सेटिंग में जाके डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, उसके बाद हमने सर्च किया लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के बाद कीवर्ड्स आ गए, 575 आइडियाज इसमें शो होंगे। यहाँ पे कॉम्पिटिशन बता रहे हैं, ये तो बीट बता रहे हैं, हाई बीट लो। अब अपनी वेबसाइट के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स, देन गेट रिजल्ट्स। ये वेबसाइट के ऊपर डाला तो वेबसाइट की सारी वो आ गई, कीवर्ड्स आ गई। उसके बाद कॉम्पिटिशन आ गया, लो बीड आ गया, हाई बीड आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड वॉल्यूम क्या होता है। कीवर्ड वॉल्यूम वो होता है जो कितनी बार लोग सर्च कर रहे हैं अपना कीवर्ड, उसे हम कीवर्ड वॉल्यूम बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है गूगल कीवर्ड पैनल के? यह हमें नया कीवर्ड देता है, मंथली सर्चेस बताता है और पोस्ट बताता है। एनी डाउट?